प्रथम तहलका न्यूज। केंद्र की सरकार एक ओर जहां दिल्ली में रिपब्लिक डे परेड की तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर किसानों ने भी ट्रैक्टर परेड की तैयारियां पुख्ता कर ली है। बता दें कि इसके लिए ग्राम स्तर पर कमेटियां बनाई गई है, जो कि घर घर जाकर लोगों से संपर्क कर रही है। कंडेला गांव से 24 जनवरी को 1000 ट्रैक्टरों का जत्था दिल्ली के लिए रवाना किया जाएगा। यह फैसला सर्वजातीय खाप चबूतरे पर लिया गया। भाजपा नेता टेकराम कंडेला की अगुवाई में हुई इस बैठक में यह रणनीति बनाई गई। 24 तारीख का जो कंडेला खाप ने फैसला किया है, दिल्ली के ये जो आंदोलन चला हुआ किसानों का, जहां लाखों किसान बैठे हैं, उसके समर्थन में हमारे 3-4 प्रस्ताव खाप महापंचायत ने पास किए हैं। उसमें तीनों कानून जो कृषि के लिए हैं बनाए गए हैं, केंद्र सरकार ने उनको रद्द किया जाए, स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू किया जाए, और जो MSP पर है किसानों का जो गारंटी कानून बना जाए, और केंद्र सरकार किसानों के सारे कर्जे माफ करे। इसके लिए हमारी जो कंडेला खाप की महापंचायत है, उसमें कम से कम भी 2000 के करीब ट्रैक्टर, जो कि यहाँ 24 तारीख के लिए निर्णय लिया गया है, 24 तारीख ने ज्यादा से ज्यादा पहुंचेंगे। इसलिए महापंचायत ने अपने अपने गाँव को अपने अपने स्तर पर सभी खर्चा पानी, जो दूध पानी रोटी पानी, सब अपने अपने गांव स्तर पर पहुंचेंगे, उसके लिए आज फैसला लिया गया। तो कहां जाएगी सर ये ट्रैक्टर? जो ये दिल्ली के जो बॉर्डर पर हमारा जो धरना चल रहा है टिकरी बॉर्डर के ऊपर है, वहां से हमारा जो आगे का प्रोग्राम है, जो 40 आदमियों जो कमेटी है, वो जो भी रूट देंगे उस रूट के हिसाब से शांतिपूर्ण तरीके से अनुशासन में रहकर जाएंगे। तो प्रशासन ने हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन रोकेगा, हम वहाँ दिल्ली पहुंचेंगे, ऐसी कोई बात को नहीं, पीछे नहीं हटोगे। हाँ, पूरे बैरिकेड तोड़ कर हम अनुशासन में रहकर, हमारा अधिकार है। हम इस बैठक में ये निर्णय भी लिया गया कि सभी किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों में आंदोलन के लिए जरूरी चीजें जैसे कि आटा, दाल, चावल, दूध, लस्सी, दही और अन्य खाद्य सामग्री साथ में लेकर चलेंगे। पंचायत में केंद्र से मांग करते हुए सर्वसम्मति से कुछ प्रस्ताव भी पास किए गए। आंदोलन उग्र ना हो जाए, शांतिपूर्वक के लिए हमारे जो जींद के नजदीक के तपे खाप संगठन, जैसे हमारे युवा सरपंच के ईश्वरसिन के सभी बिरादरी के भाई दुकानदार आड़ती सभी यहाँ मीटिंग में इकट्ठे हुए हैं, और ये क्यों अभी जोर शोर से चल गया है आंदोलन। आज मीटिंग है सरकार की और किसानों की, देखो इन भगवान सतबुद्धि दे दे, लाल माथे ना कराए हमारे। इसलिए हमारे सबसे ज़्यादा यहाँ गांव-गांव में छोटी छोटी कमेटी बनाई गई हैं, ट्रैक्टर तैयार करे गए हैं, और 24 तारीख को ही हमारा हरियाणा कूच कर जाएगा यहाँ से, और 26 को आने वाले जो देश हैं हमारे, जो 40 किसान की हमारी कमेटी कोर कमेटी बैठी है, उसके आह्वान पर ये पूरा आंदोलन चलेगा, क्योंकि अनुशासन ही एक हमारी जीत होगी। अगर एक पत्थर एक कंकर लग गया तो किसी किसान का या किसी किसान ये विरोधी लोग अभी भी तत्व छोड़ रहे हैं हमारे समाज में, सरकार के आदमी घुसे हुए हैं, सिविल ड्रेस में घुसे हुए हैं, हम उनका भी ध्यान रखना पड़ रहा है, और हमारी माता और बहनों का भी ध्यान रखना पड़ रहा है। किसान, मजदूर, आड़ती और हमारी माता और बहनें सब जुड़ गई हैं। तो आज मीटिंग में क्या फैसला लेगा? आज ये लिया है, गांव-गांव में कमेटी बनाओ, ट्रैक्टरों की तैयारी करो, महिलाओं को भी ट्रेनिंग दो, ताकि महिला हमारी आगे चलें, और हर ब्लॉक स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, जोन स्तर पर, गांव स्तर पर सब अपनी मीटिंग करके अपनी खापों के द्वारा ये तय किया गया कि तीनों कानूनों को रद्द करवाना, MSP की गारंटी का कानून बनाना, स्वामीनाथन रिपोर्ट पूरी तरीके से लागू करना और किसानों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उनके सभी ऋण माफ करना, ये सभी जरूरी चीजों के लिए बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध करवाना, ये सब मांगे उनके शामिल की गई है। प्रथम तहलका के लिए जींद से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। इतना साफ, इतना साफ, यकीन नहीं होता, वाओ, इसके बर्तन तो हमेशा नए लगते हैं। ये है विस्मा क्लीनिंग प्रोडक्ट्स का कमाल, सुरक्षा 100% और सफाई बेमिसाल, हर माँ की पसंद। विस्मा